अयोध्या में लगातार हो रही भारी बरसात में मकान के दीवार गिरने से दो महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बताते चले कि थाना मवई के सैदपुर में भारी बरसात के चलते घर की दीवार गिर गई, जिसके चलते मलबे में दबकर दो महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें तीन की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामूली रूप से घायलों का इलाज CSC खैरनपुर में चल रहा है। घटना की सूचना पर रुदौली विधायक पहले तो घटना स्थल गांव पहुंचे और फिर उसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया। छत पट्टी थी कच्ची दीवार की, उसके बाद में जो थोड़ा सा मट्टी उसके छत दरवाजे जो झड़ी होती नहीं वो झड़ी में गिरी, उसके बाद 9 इंची दीवार फाड़ पड़ी। जब फाड़ पड़ी तो ये लोग छप्पर के नीचे थे, छह लोग में जो है वो जब छप्पर गिरा दीवार गिरी तो उसके नीचे लोग दब गए। हाँ, फिर उसके बाद जब गुहार मची तो सब सारे लोग मोहल्ले के दौड़े, तो सारे लोग जो मोहल्ले के दौड़े तो हम लोग वहाँ जब पहुँचे हैं तो निकाल रहे थे, तो उनको निकाले के बाद देखा कि कितने घायल कितने चोट, तो आप लोग को सूचना यहाँ पर गई, 100 नंबर सूचना गई, फिर लोग गए तो वहाँ से लेकर यहाँ। हाँ, एक गंभीर ज़्यादा सीरियस, उसका नाम राम समूच, वो पता नहीं कोई गाड़ी मान लो। ऐसे ये उनका कहीं है। आज सैदपुर की जो घर गिरने की खबर पे हम लोग पहुंचे तो यहाँ पर एक ही परिवार के तीन ऐसे लोग जो सगे भाई हैं उनके अपने